हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में कुछ आसान तरीके दिखाना चाहता हूँ जिससे आप आसानी से ग्लास का बोतल कट कर पाएंगे। जो ग्लास को आपको कट करना है उसको जो मार्किंग का ऊपर नीचे दोनों साइड में एकदम टाइट लॉकन का तार से बांधने के, उसके बाद एक लॉकन का पीस को आप अच्छे से गर्म करके, जिस शेप वाला पीस को अच्छे से गर्म करके जो बोतल में जिधर कट करने गए वो पोर्शन में ऐसा रख देने गए। उसके बाद कोई इक्विपमेंट से आपको पकड़ना है, वो गर्म रॉड बहुत गर्म रहेगा, इसके लिए पकड़ ऐसा कोई चीज़ आप पकड़ लेना हाथ में, संभाल के करना है काम, बहुत गर्म रहता है उसको। टाइम के बाद आपको ग्लास ब्रेक होने का आवाज़ आएगा, तभी आप उसमें ठंडा पानी इमिडिएटली डाल देने का, तभी आपको ग्लास दोनों इक्वली ब्रेक होकर मिल जाएगा। उसके बाद और रॉड निकाल देने का, उसमें से रॉड निकालते आपको दो पीस एकदम परफेक्टली कट होकर मिल जाएगा ऐसा। दूसरा तरीका ये है, आपको जो जगह पर आपको कट करवाना है, जो बोतल का जो जगह कट करवाना है उधर आपको अच्छा से रस्सी से बांध देने का। रस्सी झाड़ा रहेगा तो दो तीन राउंड मारने का, रस्सी एकदम पतला रहेगा तो 10-12 राउंड मारने का। थोड़ा कोल्ड वाटर रेडी करके रख देने का पहले ही। उसके बाद जो जिधर रस्सी को आपको जलाने के लिए थोड़ा फ्लेमेबल लिक्विड यूज़ करना पड़ेगा, जैसे आपको गासलेट, टर्पेंटाइन, ऐसा कोई भी लिक्विड आप यूज़ कर सकते हैं, तो पूरा रस्सी को अच्छे से डुबा देने का पहले लिक्विड से। उसके बाद जला देने का, जलाने के बाद आपको रोटेट करते रहने का उसमें, वो पानी को ऊपर पकड़ कर रोटेट इसके लिए करते, अगर वो ब्रेक होके गिर गया तो भी पानी में गिरे टूटे नहीं। जैसा वो फ्लेम बंद नहीं होएगा तभी तक उसको रोटेट करते रहने का, जैसा फ्लेम बंद होएगा इमिडिएटली पानी में डुबा देने का, तो ऐसा आपको दोनों एकदम इक्वल पीस होकर मिल जाएगा। जो कट हो गया बॉटल का सरफेस थोड़ा रफ रहता है, इसके लिए आपको थोड़ा पॉलिश पेपर यूज़ करने का, थोड़ा सरफेस सॉफ्ट करने के, स्मूथ करने के लिए, नहीं तो उसमें आपको हाथ में लगेगा तो कट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। दूसरा तरीका ये है, ये हीटर कॉइल यूज़ करके भी आप आसानी से कट कर पाएगा। हीटर कॉइल यूज़ करने के टाइम थोड़ा केयर रहना है, एक तो हीटर कॉइल बहुत हीट हो जाते हैं, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी आप यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए थोड़ा केयरफुल काम करना है। ये बच्चे लोग बिल्कुल ये काम नहीं करना है। जैसा आपको हीटर ऑन करने के बाद बॉटल को रोटेट करते रहने के, स्लोली रोटेट करते रहने के, हीटर कॉइल एकदम रेड कलर का हो जाएगा ऐसा। जैसा आपको परफेक्ट हीट होएगा ऑटोमेटिकली वो बॉटल ऐसा टूट जाएगा। जब आप उसको हीटर को बंद करके बॉटल रिमूव करने का, बॉटम पोर्शन निकालने के लिए आप पकड़ ऐसा कोई टूल्स यूज़ करना, कपड़ा कुछ यूज़ करना, वो बहुत गर्म रहेगा इसके लिए। ये तरीके से आप स्क्वायर वाला बॉटल भी कट कर सकते हैं आसानी से, वही सेम प्रोसेस करने का, बॉटल को स्लोली रोटेट करते रहने का, एक जगह ओवरहीट होने नहीं देने का इसके लिए। जैसे आपको लग रहा है हीट हो गया तो वो निकाल देने का, निकाल के इमिडिएटली थोड़ा कोल्ड वाटर डाल देने का उधर, तो क्रैक दिख रहा है आपको उसमें, इसके लिए स्लो फ्लोर में स्लो टच करते रहने का स्लोली, ऑटोमेटिक वो ब्रेक हो जाएगा थोड़ा टाइम में, ऐसा आपको दो पीस में मिल जाएगा उसमें। अगर आपको वर्टिकल बॉटल को अगर कट करना है, जो पोर्शन में कट करना है उधर आपको कॉइल घुमा देने को, जगह से अच्छा से तार से टाइट बांधने का,
वो तार का साथ शॉर्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा बांधने का आपको। उसके बाद ऑन करेगा तो आपको जो जगह में आपने तार बांधा एकदम रेड कलर हो जाएगा उधर। थोड़ा टाइम में ग्लास ब्रेक होने का आवाज़ आएगा आपको स्लो, तभी आपने इलेक्ट्रिसिटी पहले बंद करने का, हीटर बंद करने के बाद कोल्ड वाटर लेके स्लोली जो हीटर का पॉइंट में डाल देने का थोड़ा थोड़ा करके, इमिडिएटली वो परफेक्टली ब्रेक हो के आ जाएगा उसमें। ऐसा आपको दो पीस में मिल जाएगा, ऐसा एकदम परफेक्टली कट होके मिल जाएगा ऐसा। ये सब चीज़ें से मैं पहले से कट करके रखा हुआ है। ये सब इसमें आपको अलग अलग तरीक़े से यूज़ कर सकते हैं, फैंसी शो पीसेस ऐसा आप यूज़ कर सकते हैं इसमें, लाइट होल्डर और कैंडल होल्डर, हैंगिंग लाइट, प्लांट पॉट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।